नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। वित्त मंत्री के क्षेत्र में ही मानदेय के लिए जूझ रही जलसहिया। 18 माह से बिना मानदेय के कैसे गुजारा कर रही जलसहिया। छोटे बच्चों के साथ ठंड में धरना देने पर मजबूर जलसहिया। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के इलाकों की जलसहिया को 18 माह से मानदेय नहीं मिला है। बार बार की मनुहार के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके कारण सर्दी में छोटे छोटे बच्चों के साथ सोमवार को सभी धरना पर बैठ गए। देर शाम होने के बाद भी कोई पदाधिकारी उनसे बात तक करने नहीं आए। सभी प्रखंड समेत अति नक्सल क्षेत्र में पहुंची है। लोहरदगा जिले की जलसहिया पेयजल एवं स्वच्छता कार्यालय के सामने धरने पर छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी है। बकाया मानदेय का भुगतान समेत उनकी 12 सूत्री मांगे हैं। वे वरिष्ठ पदाधिकारियों से अपनी मांगों पर लिखित आश्वासन देने पर अड़ी हैं। जलसहिया ने कहा, रोज रोज के मरने से अच्छा है इस ठंड और कुहासे से मर जाना ही अच्छा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जलसहिया को 1,000 रुपए मासिक मानदेय पर काम करने के लिए रखा गया है। वह मानदेय भी समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। जलसहिया का कहना है कि विभाग लिखित में दे कि कब तक मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हालांकि कार्यपालक अभियंता सुशील कुमार टूडू द्वारा लिखित देने से मना कर दिया गया है, तभी लोग धरने पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। कार्यपालक अभियंता ने लिखित आश्वासन के बाद जलसहिया धरने से उठी। अभियंता ने कहा कि 3 माह के मानदेय का भुगतान 1 सप्ताह में किया जाए। मांग पत्र को जिला मुख्यालय भेजने को कहा गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।